मुगल वंश देखिएगा, मुगल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। मुगल वंश मंगोल और तुर्क के मिलने से मुगल वंश की उत्पत्ति हुई। इसमें सबसे ज्यादा भाषा का किसका यूज किया गया, फारसी भाषा का। और इसके संस्थापक कौन थे, बाबर। इनका कार्यकाल रहा है 1526 से 1530 ईस्वी। मेन मेन पॉइंट देख लीजिए जो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं एसएससी लेवल तक। इसके बाद देखिए इनका जन्म, पूरा नाम क्या है बाबर का, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इनका जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में। पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। ये तैमूर के वंशज थे और फरगना के शासक बने। माता का नाम क्या था, कुतलुग निगार खां। ये मंगोल की वंशज थी। और इनके पुत्र कितने थे, पुत्र थे 4, हुमायूं कामरान अश्कारी हिंदाल। और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। मेन पॉइंट देख लीजिएगा, मेन पॉइंट क्या है, जैसे 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठे, जब पिता की मृत्यु हो गई, इसके बाद मात्र 12 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठे। 1504 ईस्वी में इन्होंने काबुल और गजनी को जीत लिया। इसके बाद 1507 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीतने की खुशी में पादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद अब भारत में आ जाइएगा, भारत में आक्रमण कितनी बार किया, 5 बार किया। सबसे पहले भारत में कहां से प्रवेश किया, तो ये फर्स्ट बार प्रवेश किया है पश्चिम पंजाब से। यहां पर 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा को जीता। इसमें यूसुफ जाइयों और बाबर के बीच युद्ध हुआ, तो बाबर ने बाजौर और भेरा को जीत लिया। भारत में आने का न्योता मतलब निमंत्रण किसने भेजा, तो ये दौलत खान लोधी जो पंजाब का शासक था, और आलम खान ये मेवाड़ का शासक था, इन्होंने भारत में न्योता दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में